नमस्कार, मैं हूँ संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की। हटा से सामने आ रही, जहाँ पर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ श्री राम मंदिर से एक विशाल जुलूस प्रारंभ हुआ, जिसमें पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने वालों का विरोध किया गया। साथ ही पाकिस्तान का पुतला भी यहां पर फूंका गया। हिंदूवादी संगठनों का कहना कि जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। जो लगातार सोशल मीडिया पर इस घटना का समर्थन कर रहे थे, उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों को लेकर भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। किस तरह से इनके द्वारा पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, यह भी हम आपको दिखाते हैं। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अपनी बात रखी गई, प्रशासन को अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया गया। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उन पर क्योंकि प्रशासन द्वारा FIR हुई है, रासुका के तहत कार्रवाई हुई है, लेकिन उनके पक्ष में, उनके समर्थन में देश से, प्रदेश से अनेक लोगों के द्वारा नारेबाजी की गई, उनका समर्थन किया गया, उन पर भी कार्रवाई हो, वैधानिक कार्रवाई हो, इस चीज की मांग आज हम सभी हिंदू संगठन करते हैं। साथ में इंदौर में हुए जो एक युवती के द्वारा एक 15 अगस्त के कार्यक्रम में माने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए और उसका विरोध किया गया, उसको एक साथ धक्का मुक्की की गई, हम उसका विरोध करते हैं। साथ में लव जिहाद और लैंड जिहाद, ये सब जो वारदातें हो रही हैं, हम उस सबका विरोध करते हैं और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि ये इस मामले पर सख्त कार्रवाई करें। साथ में जी मानपुरा के रोड पर जो मूर्तियां मिली हैं, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कार्य किया गया है, जो धर्म विरोधी कार्य है, तो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई में ढीलाशाही बरती जा रही है। तो प्रशासन से मांग है कि जो असामाजिक तत्वों ने कार्रवाई की, असामाजिक तत्वों ने जो मूर्तियों को कचड़े में डाला था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कुछ नाम सामने आए हैं। समस्त हटानगर के हिंदूवादी संगठनों द्वारा खास करके प्रशासन को जगाने के लिए हम सभी हिंदूवादी संगठन ढोल नगाड़ों के साथ SDM महोदय के यहाँ ज्ञापन देने एवं पाकिस्तान का पुतला दहन करने के लिए गए थे, जिसमें ज्ञापन के मुख्य मुद्दे थे कि एक तो उज्जैन में असामाजिक तत्वों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इंदौर में एक युवती को हिंदुस्तान जिंदाबाद एवं वंदे मातरम की नारे लगाने पर उसके साथ छेड़छाड़ की गई, उसके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज की गई उसके विरोध में। और जो इस देश में रहने वाले असामाजिक देशद्रोही तत्व हैं, उनको इस देश से बाहर, जो कि उनका समर्थन कर रहे हैं उन देश विरोधियों का, उनको इस देश से बाहर एवं उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देने गए थे। और मुख्य रूप से हटा में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। भारत विरोधी नारे लगाने पर लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो पाकिस्तान समर्थित हैं, उनके समर्थन में नारे लगाते हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए। वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए काफ़ी तादाद में पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहे। हटा से भरत साहू की रिपोर्ट। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए।